न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल, क्या 1992 का इतिहास खुद को दोहराएगा? जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 याद है, उन्हें उस वर्ल्ड कप में मार्टिन ट्रो की कप्तानी में न्यूजीलैंड टीम का खेल भी याद होगा। न्यूजीलैंड ने उस समय राउंड रॉबिन स्टेज के अपने अंतिम मैच तक एक भी मैच नहीं गंवाया था और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप के प्रबल दावेदारों में खुद को शुमार किया था। राउंड रॉबिन स्टेज के अंतिम मैच में उसे पाकिस्तान ने हराया जरूर था, लेकिन इस हार के बावजूद न्यूजीलैंड टीम 8 मैचों में 14 अंक लेकर शीर्ष पर थी और खिताब की प्रबल दावेदार थी। मौजूदा वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं गंवाया है और विश्व क्रिकेट के तीन पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग, इयान बॉथम और विवियन रिचर्ड्स का मानना है कि इस बार आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी न्यूजीलैंड टीम अपने नाम कर सकती है। न्यूजीलैंड का प्रदर्शन जारी टूर्नामेंट में अब तक शानदार रहा है और टीम ग्रुप ए में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। जहां तक न्यूजीलैंड के लिए हालात 1992 और 2015 के वर्ल्ड कप में लगभग समान हैं। 1992 में मार्टिन क्रो अपने जबरदस्त फॉर्म और कुशल नेतृत्व से टीम को आगे ले जा रहे थे, तो वर्ल्ड कप 2015 में यही काम ब्रेंडन मैकुलम कर रहे हैं। लेकिन 1992 में नॉकआउट राउंड में न्यूजीलैंड के लिए कुछ भी सही नहीं हुआ और उसे एक ऐसी टीम से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाना पड़ा जो मुश्किल से नॉकआउट राउंड में पहुंची थी। यह टीम थी वर्ल्ड कप 1992 की विजेता टीम पाकिस्तान। इस शनिवार को जब न्यूजीलैंड टीम वर्ल्ड कप 2015 के क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी तो तारीख फिर वही 21 मार्च होगी जो 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के समय थी। इस बार वेस्टइंडीज टीम मुश्किल से नॉकआउट राउंड में जगह बना पाई है। वेस्टइंडीज टीम में क्रिस गेल के अलावा भी कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेज खेलकर वह भूमिका निभा सकते हैं जो 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए इंजमाम ने निभाई थी। 1992 वर्ल्ड कप को 23 साल हो गए और न्यूजीलैंड की हार पुरानी बात हो गई है। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। न्यूजीलैंड ने अब तक वर्ल्ड कप 2015 में बेहतरीन खेल दिखाया है और अगर क्रिकेट विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड टीम खिताब की प्रबल दावेदार है तो इसका कारण टीम का अब तक का प्रदर्शन है। मैकुलम के न्यूजीलैंड टीम पर यह दबाव होगा कि वह 21 मार्च को वेस्टइंडीज को हरा कर यह साबित कर दे कि 23 साल पहले जो हुआ था वह केवल इत्तेफाक था और इस बार टीम हर बाधा पार करने को तैयार है।